हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन दी सेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखिये हम हमारे लास्ट कुछ सेशंस में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई और इनके कुछ कंपोनेंट्स एंड इवन एम्प्लॉयमेंट भी समझ चुके हैं कि क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट और किस तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी कुछ तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जा सकती हैं चलिए आज हम आगे और मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर सबसे पहले हमें एक ये बात क्लियर जरूर होनी चाहिए कि केन्जियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली मतलब जो लॉर्ड केन्स की विचारधारा है इसके अकॉर्डिंगली हमें ये बात क्लियर की गई है कि देर इज अ ट्रिपल आइडेंटिटी बिटवीन इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट तो आपको अगर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए चाहे एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए चाहे आउटपुट वर्ड लिखा हुआ आ जाए वन एंड द सेम थिंग ही रहेगा हम अब समझते हैं कि ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट ये होता क्या है एक्चुअली ये एक वो लेवल ऑफ इनकम या वो लेवल ऑफ आउटपुट है एक इकोनॉमी में जिस पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं देखिए हमने यही कंसेप्ट स्टडी किया है ना हम पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं जिनका हिंट आपको यहां पर भी साइड में दिया गया है कि इट इज इक्वल टू सी प्लस आई दैट मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बिल्कुल इसी तरीके से हम एग्रीगेट सप्लाई भी पढ़ चुके हैं और इसके कंपोनेंट्स भी हम स्टडी कर चुके हैं जिसमें हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया था तो चलिए अब देखते हैं कि हमें ये इक्विलिब्रियम लेवल में और आगे क्या बताते हैं पहली बात हमें ये पता चली कि ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो वो लेवल होता है जिस पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं अब देखिए अगर आप एग्रीगेट डिमांड की जगह पर ये सी प्लस आई लिख देंगे और एग्रीगेट सप्लाई की जगह पर सी प्लस एस लिख देंगे एंड थोड़े से मैथमेटिकल कंसेप्ट अगर हम लगाएं ये सी और सी सेम है कॉमन है ये कट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में है तो अगर ये कट हो जाएगा तो हमारे पास एक और सिचुएशन उभर कर आती है जिससे हम इक्विलिब्रियम लेवल स्टडी कर सकते हैं एंड इट इज आई इज इक्वल टू एस इसका मतलब बेसिकली देर आर टू अप्रोचेस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक होता है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की इक्वालिटी की अप्रोच और दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट और सेविंग के की इक्वालिटी की अप्रोच दो दैट मीन्स ये दो अप्रोचेज हैं अब क्योंकि हम इस बात का हिंट पहले भी ले चुके हैं कि दो विचारधाराएं हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताई गई हैं एक क्लासिकल है और दूसरी केन्जियन है तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अब हम जो इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे वो इन दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम बेसिकली क्लासिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली ही स्टडी करेंगे सो नाउ एज वी नो दैट देर आर टू फ्रेमवर्क अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स दस इक्विलिब्रियम कैन बी स्टडीड अकॉर्डिंग टू दीज टू फ्रेमवर्क अब क्योंकि हम जानते हैं कि दो अप्रोचेज हमें बताई गई हैं एक एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई वाली अप्रोच और दूसरी हमें बताई गई है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स वाली अप्रोच तो चलिए सबसे पहले हम क्लासिकल फ्रेमवर्क जो है वो एडी और एएस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं देखो बेसिकली जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के अकॉर्डिंगली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के व्यू थे आए उभर के वो ये उभर कर आए कि देयर इज ऑलवेज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी मतलब इन्होंने ये कहा कि हमेशा इक्विलिब्रियम होता है इनकी ये जो एजाम्पशंस हैं इनकी ये जो हम कहेंगे रिजल्ट्स हैं ये कुछ एजाम्पशंस पर बेस्ड हैं और एजाम्शन्स मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि ये आपको सिर्फ एज्यूम करने के लिए बताई गई होती हैं जरूरी नहीं होता है कि ये सच हो तो यहां पर क्या है फ्री इकॉनमी कि एक इकोनमी फ्री है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है ना बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर सेकेंड एजाम्पन जो बताई गई है कि कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है बट नहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है तो इसलिए ये एजाम्पन्स जो है वो सिर्फ आपको एज्यूम करने के लिए बताई गई है हमें मतलब है सिर्फ इस बात से कि ये क्लासिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली हमें कहा क्या गया है हमें ये कहा गया है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में ना हमेशा समानता पाई जाती है ये जो समानता है ये हमें क्या कंक्लूजन्स निकाल कर देती है ये हमें ये दो कंक्लूजन्स निकाल कर देती हैं कि एक तो ये समानता और ये जो समानता है वो जिस लेवल पर होती है उस लेवल पर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पाया जाता है एक इकोनॉमी में तो ए एस इज इक्वल टू ए डी एंड द इक्वेलिटी बिटवीन दीज टू एग्जिस्ट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन एन इकोनमी अब हमें यह समझना जरूरी है कि ये जो बेसिक कंक्लूजन्स हैं जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने हमें दिए हैं ये किस बेसिस पर किस आधार पर हमें दिए हैं क्यों उन्होंने कहा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हमेशा होता है और क्यों उन्होंने ये कहा कि एक इकॉनमी एक में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ही पाया जाता है तो चलिए हम अब सबसे पहले ये पॉइंट समझते हैं कि किस चीज के आधार पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में इक्वालिटी की बात कही गई है रीजन फॉर दी कंक्लूजन्स सबसे पहला रीजन देखो फर्स्ट कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन सेज लॉ ऑफ मार्केट्स अब फर्स्ट कंक्लूजन कौन सा था देखिए यहां पर मैंने बेसिक कंक्लूजन लिखा है एंड दिस वन इज आर फर्स्ट कंक्लूजन तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है ना वो सेज लॉ ऑफ मार्केट पर बेस्ड है अब ये सेज लॉ क्या है प्रोफेसर जे बी से पूरा नाम भी आपको बताया गया है तो ये एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए हैं इनके अनुसार इन्होंने एक लॉ दिया था जिसे लॉ ऑफ मार्केट्स कहा जाता है उसी लॉ ऑफ मार्केट के आधार पर यह कहा गया है कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में हमेशा इक्वलिटी पाई जाती है अब इनका यह लॉज ऑफ मार्केट कहता क्या है ये स्टेट करता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि सप्लाई हमेशा अपनी डिमांड क्रिएट करती है मतलब सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म प्रिवेल्स इन एन इकॉनॉमी व्ट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इज कंज्यूम्ड और डिमांडेड इन एन इकॉनॉमी एक सप्लायर एक प्रोड्यूसर जो भी एक इकॉनमी में प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्शन कर रहा है उसके द्वारा की हुई वो प्रोडक्शन दूसरी साइड पर कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम कर ली जाएगी या डिमांड कर ली जाएगी मतलब कोई भी कॉमोडिटी का एक भी तिनका ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं बिकेगा तो सब कुछ बिक जाएगा तो देखो ऑटोमैटिकली ही वट एवर इज प्रोड्यूस्ड क्या है ये एग्रीगेट सप्लाई है ना जो प्रोडक्शन की जा रही है प्रोड्यूसर्स के द्वारा इज कंज्यूम्ड और डिमांडेड एन एन इकोनॉमी तो वो क्या बन गया वो एग्रीगेट डिमांड बन गया ना तो इसलिए इस पर्टिकुलर सेज लॉ ऑफ मार्केट के आधार पर ये बात कही गई है कि एग्रीगेट सप्लाई हमेशा एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है अब देखिए सेकंड कंक्लूजन क्या था सेकंड कंक्लूजन था कि देर इज ऑलवेज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी अब ये जो सेकंड कंक्लूजन है ये किस चीज पर बेस्ड है इसमें आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली प्लीज अपने दिमाग में रखिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है क्या नहीं ये हम लास्ट सेशन में समझ चुके हैं दैट डजेंट मीन कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होती है हमने पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर लेवल पर भी स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल नेचर की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है तो बेसिकली ये क्या कहता है जो ये सेकंड कंक्लूजन है उसका मतलब था कि एक प्रिवेलिंग वेज रेट पर जिन लोगों को काम मिल रहा है वो काम करने के लिए तैयार भी हैं उस प्रीवेलिंग वेज रेट पर है ना तो ये किस चीज पर बेस्ड है एक्चुअली ये जो कंक्लूजन है वो फैक्ट ऑफ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी पर बेस्ड है वेज का मतलब होता है मजदूरी वेज प्राइस का मतलब बन गया प्रिवेलिंग वेज रेट मतलब मजदूरी दर जो मार्केट में प्रिवेल कर रही है हर एक जॉब के लिए होता है ना कि अगर आप काम करने जाओ तो आपको दस हजार प्रति महीना मिलेगा या पंद्रह हजार प्रति महीना मिलेगा तो कुछ इस तरीके के हिसाब से एक पर्टिकुलर वेज रेट होता है जो कि मार्केट में प्रिवेल करता है एंड ये जो सेकंड कंक्लूजन है वो ये कहता है कि पर्टिकुलर वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब चेंजेस आ सकते हैं कोई भी चीज फ्लेक्सिबल हो तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें चेंजेस आ सकते हैं तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इन एन इकोनमी जिसका मतलब है कि जो वेज प्राइस है वो प्योरली डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और दोज हु आर एम्प्लॉयड हम उन्हें लेबर के नाम से जानते हैं तो इसलिए फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर जहां पर आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं जिस पर्टिकुलर वेज प्राइस पर जिस पर्टिकुलर रेट ऑफ वेज पर एक दूसरे के बराबर होते हैं हम उस पर्टिकुलर लेवल को बोल देते होते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो यहां पर आपको ये कंक्लूजन कह रहा है कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एक इकॉनमी में पाई जाती है फ्रीली एक इकोनॉमी में ये फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर काम करते हैं जिसकी वजह से हमेशा एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पाया जाता है हम इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं ताकि आपको ये बेटर समझ में आए कि वेज प्राइस में किस तरीके से फ्लेक्सीबिलिटी आ सकती है देखो जैसे मान लो कि आपको ये पर्टिकुलर सिचुएशन बता रहे हैं कि लेट सपोज कि मार्केट में जो करंट वेज रेट प्रिवेल कर रहा है दैट इज रूपीज टेन और एक ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि सप्लाई ऑफ लेबर टेन है मतलब दस लोग काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन ऑन दी अदर हैंड डिमांड ऑफ लेबर मतलब जो प्रोड्यूसर्स या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री में हमें लेबर की जरूरत है अगर हम बहुत ही सिंपल से केस से समझें तो वो लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ आठ लोगों की जरूरत है अब देखो यहां पर इक्वालिटी नहीं है हमने क्या बोला है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि एक इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पाया जाता है मतलब ये सप्लाई और डिमांड जो है वो एक दूसरे के बराबर रहेंगी किस केस में लेबर के केस में एम्प्लॉयमेंट के केस में तभी बनेगा ना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अब अगर इसमें इक्वालिटी नहीं है तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी अपना काम करेगी अब कैसे काम करेगी ये देखो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है चेंज मतलब इस करंट वेज रेट में कुछ चेंज आएगा जिसकी वजह से ये सप्लाई और डिमांड जो है लेबर की वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगी अब क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो दस के हिसाब से आठ लोग, लोगों की जरूरत है दस लोग जो हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरर दस की बजाय कहे कि मैं साढ़े नौ रुपए पे करूंगा मतलब वो आधा रुपए उसने कम कर दिया ठीक है या नौ रुपए मान के चल लो मतलब सिंपल सा बात अगर उसने करंट वेज रेट रिड्यूस कर दिया तो दस में से कुछ लोग ड्रॉप कर देंगे ना कि नहीं हम तो दस रुपए के हिसाब से ही काम करना चाहते हैं हम दस से कम रुपए नहीं लेंगे तो इस तरीके से क्या होगा वेन देयर विल बी रिडक्शन in the wage rate तो सप्लाई कम हो जाएगी और एक ऐसे पॉइंट पर तक कम होगी जब तक कि वो डिमांड के बराबर ना हो जाए तो इसलिए ये होगा वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी कि सप्लाई और डिमांड अगर एक दूसरे के बराबर नहीं थे लेबर के केस में एम्प्लॉयमेंट के केस में तो क्या बदलाव आया वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के तहत जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड ऑफ लेबर के बराबर होगी फिर से दोबारा से याद रखिएगा कि कम वेज रेट पर कुछ लोग यहां से ड्रॉप कर देंगे जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के बराबर हो जाएगी बिल्कुल ऐसे ही अगर सप्लाई ऑफ लेबर लेस होगी डिमांड ऑफ लेबर ज्यादा होगी मतलब अगर ये केस उल्टा हो जाए तो उस केस में क्या होगा वेज रेट हाई हो जाएगा तो दैट मींस ये एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हाँ अगर सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के बराबर नहीं होती है लेबर की एम्प्लॉयमेंट की तो उस केस में वेज प्राइस फ्लेक्सीबिलिटी होने की वजह से ये हमेशा एक दूसरे के बराबर आ जाएगी लेकिन अब देखिए अब यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा नोट देखने को मिल रहा है कि वेज जो है मजदूरी जो है वो दो तरह की हो सकती है एक मनी वेज और दूसरी है रियल वेज लेकिन क्लासिकल इकोनोमिस्ट ने क्लासिकल फ्रेमवर्क्स के अकॉर्डिंगली हमें यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में जिस फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है वो रियल वेज रेट की की गई है तो दैट मींस रियल वेज रेट है जिसे कंसीडर किया जाना चाहिए अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इकोनॉमिक लेवल पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल प्रिवेल कर रहा है या नहीं तो चलिए अब थोड़ी सी निगाह डालते हैं इन पर कि ये मनी वेज क्या होता है रियल वेज क्या होता है ताकि हमें इनके कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो सके देखिए जो मनी वेज होती है मनी का मतलब होता है कि हमें नकदी में हमें कैश की फॉर्म में कितना पैसा मिल रहा है तो इसलिए मनी वेज वो मजदूरी है या वो वेज होती है जो कि एक श्रमिक को श्रमिक का मतलब होता है एक लेबर को मुद्रा के रूप में मतलब पैसे की फॉर्म में कैश की फॉर्म में उसे प्राप्त होती है मिलती है लेकिन अगर हम रियल वेज की बात करें जिसे हिंदी में वास्तविक मजदूरी कहा जाता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि एक लेबरर अपनी कैश की फॉर्म में जो उसे वेज मिली है उसके बदले में वो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को या उनकी क्वांटिटी को खरीद सकता है प्राप्त कर सकता है उसे हम रियल वेज या वास्तविक मजदूरी का नाम कहेंगे एक्चुअली अगर हम दूसरी साइड से देखें तो ये मतलब क्या बन जाता है एक्चुअली इट इज दी परचेजिंग पार ये नकद मजदूरी की क्रय शक्ति क्रय का मतलब होता है परचेज करना तो यहां पर मतलब बन गया कि मनी वेज जो हमें मिला मतलब अगर मैं कहीं पर काम कर रही हूं मुझे बदले में वेजेस मिल रही है मनी की फॉर्म में अगर मुझे कुछ मिल रहा है बदले में सैलरी मिल रही है वेज जिसको यहां पर बेसिकली कहा गया है तो अगर मैं कहीं पर काम कर रही हूं मुझे बदले में कैश मिल रहा है वो कैश के बदले में मैं कितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकती हूं परचेज कर सकती हूँ तो दैट इज दी परचेजिंग पार ना तो उस परचेजिंग पार को हम वास्तविक मजदूरी यानी कि रियल वेज का नाम कहेंगे और इसमें कीमत स्तर में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है दैट मीन्स अगर मार्केट में जनरल प्राइस लेवल बढ़ते हैं या कम होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इनमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं होता है ना महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए तो इसीलिए ये वास्तविक मजदूरी दर है जिसके अकॉर्डिंगली ये देखा जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक इकोनॉमी एक में है या नहीं है उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स होती हैं तो अगर कीमत स्तर दुगना होता है तो मजदूरी दर भी दुगनी होनी पड़ती है करनी पड़ती है जिसकी वजह से वास्तविक मजदूरी दर जो है मतलब रियल वेज रेट जो है वो स्थिर बना रहता है जिसकी वजह से जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी ही पर्टिकुलर जॉब्स पर टिके रहते हैं एंड सप्लाई ऑफ लेबर हमेशा डिमांड ऑफ लेबर के बराबर बनी रहती है तो अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें यानी कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड वाली अप्रोच है इसके अकॉर्डिंगली हमेशा इक्विलिब्रियम संतुलन बिंदु या इक्विलिब्रियम पॉइंट उस पॉइंट पर ही डिसाइड होगा जहां पर एग्रीगेट सप्लाई समग्र का मतलब होता है एग्रीगेट और पूर्ति का मतलब होता है सप्लाई तो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वक्र वक्र का मतलब होता है कर्व तो जहां पर एस कर्व ए डी कर्व के बराबर होगा वहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड होगा तो चलिए अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये ए एस कर्व कैसे है और एडी कर्व कैसा है वैसे तो हम ऑलरेडी पहले भी हमारे सेशंस में देख चुके हैं एक बार फिर से अब देखते हैं इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्रीगेट सप्लाई का जब हमने समझा था एंड एग्रीगेट डिमांड का जब हमने समझा था तब हम ये समझ चुके हैं हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होती है विच इज पैरल टू ओ वाई एक्सेज ओ एल अगर मैं इसे नाम दे दूं तो वो एल लेवल जो है वो एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में पाया जाता है क्योंकि हमने अभी अभी ये स्टडी किया है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली हमेशा एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पाया जाता है तो दैट मीन्स ये फिक्स्ड हो गई ना कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के तहत एक स्ट्रेट लाइन एग्रीगेट सप्लाई की देखने को मिलेगी लेकिन एग्रीगेट डिमांड के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है क्यों क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ये ना प्राइस लेवल के साथ रिलेट करते हैं अभी अभी भी तो हमने यही पढ़ा है ना कि कीमत स्तर में जो परिवर्तन होगा उसके अकॉर्डिंगली वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे तो इसीलिए यहां पर जो कम्पेरिजन किया गया है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली वो प्राइस लेवल और दूसरी साइड पर आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट क्योंकि वो ट्रिपल आइडेंटिटी की बात आपसे स्टार्टिंग में ही कर दी गई थी तो इसलिए यहां पर एम्प्लॉयमेंट इनकम या आउटपुट लिख दिया जाता होता है तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड कर्व और एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली ई फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट कह दिया जाता है चलिए अब हम देखते हैं क्लासिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली ही हमारी दूसरी अप्रोच यानी कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स वाली देखो ये जो सेकेंड अप्रोच हमारे पास सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाली जो अप्रोच है इसके अकॉर्डिंगली दोनों ही आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं रिलेटेड हैं। लेकिन लेकिन एक जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है लेकिन दूसरा जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड है अब नेगेटिवली रिलेटेड है तो आपको पता है कि स्लोप जो है वो बनेगा कुछ इस तरीके से लेकिन अगर पॉजिटिवली रिलेटेड है तो स्लोप बनेगा कुछ इस तरीके से अब इसका मतलब क्या है देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हाई मिलेगा तो आप ज्यादा सेविंग्स करोगे है ना अगर बैंक आपको ज्यादा ब्याज दे रहा है तो आप ज्यादा पैसा जमा करोगे ना बैंक में या एफडीज की फॉर्म में लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा ना मिले कम मिले तो आप कम इन्वेस्टमेंट सॉरी कम सेविंग करोगे लेकिन अगर हम दूसरी साइड पर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इसमें क्या है अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस साइड पर वाई एक्सेस पर और यहां पर एक्स एक्सिस पर हम इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो आप कम इन्वेस्टमेंट करोगे उस वक्त आप कम इन्वेस्टमेंट करोगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो चला जाता है तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे सिंपल सी बात है आप अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लोगे तो कम लोगे ना क्योंकि चुकाना भी तो पड़ेगा ना तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कम करोगे अपने बिजनेस में अगर वही आपको सस्ता लोन मिलने लग जाए तो आप कहोगे कि ज्यादा उधार ले लेते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपैंड कर सकें तो इसलिए उस केस में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा की जाएगी तो दैट इज वाई इन्वेस्टमेंट के, के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है लेकिन सेविंग्स के, के केस में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है तो अगर हम इसे अब अच्छे से दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम में स्टडी करें तो ये कैसे होगा देखो कुछ इस तरीके से जब हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग के कर्व्स अगर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर्व और सेविंग कर्व वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट उभर कर आएगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो देखो फिर से यहां पर ओ वाई एक्सेस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है यहां पर ओ एक्स एक्सेस पर आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के कर्व्स बताए गए हैं अब आपको ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया गया है लेट्स सपोज कि अगर सेविंग्स यहां है और इन्वेस्टमेंट्स इस वाले पॉइंट पर है मतलब मैं एक बार ए और यहां पर ये बी इस पॉइंट की अगर बात करूं तो आपको यहां पर इस सिचुएशन पर क्या चीज उभर कर आ रही है सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट्स कम है है ना यही बात उभर कर आई है ना कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट अब अगर ये सिचुएशन आ जाए तो उस केस में क्या होगा जैसे हमने बोला था कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है बिल्कुल इसी तरीके से इस पर्टिकुलर अप्रोच में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है उस केस में इन्वेस्टमेंट और सेविंग के जो ये कर्व्स हैं वो फ्रीली मार्केट में काम करते रहते हैं जिसकी वजह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें अप्स या डाउन्स देखने को मिलते हैं और हमेशा एक इकोनॉमी में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फिर से मैं कहूंगी कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें देखने को मिलता है जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के बराबर होती है देखो अब अगर हम हमारी इस इनइक्वालिटी की बात करें जिसका जिक्र हमने अभी अभी किया था कि अगर मान लो ये सिचुएशन है आपके पास ए और बी पॉइंट्स वाली कि सेविंग्स जो है वो ज्यादा हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है क्योंकि परफेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है इकॉनमी में एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली तो देखो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एरो देखिए डाउनवर्ड बना हुआ है नीचे को खिसकेगा मतलब रिड्यूस होगा जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है और सेविंग्स जो है वो कम होंगी क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो सेविंग्स भी कम हो जाएंगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा तो इसलिए ये जो ई पॉइंट है यहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का इक्विलिब्रियम आ जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से ही अगर ये सिचुएशन हो जिसमें ऑपोजिट है इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा है और सेविंग्स जो है वो कम है तो उस केस में क्या होगा उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से फिर से दोबारा से दोनों में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो सेट हो जाएगा एक बात और मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहूंगी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है एक्चुअली उनके अकॉर्डिंगली ये जो सेविंग्स होती है इसका मतलब होता है सप्लाई ऑफ कैपिटल और दूसरी साइड पर ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इसका मतलब होता है डिमांड ऑफ कैपिटल अगर आप अपने आपको एक प्रोड्यूसर या एक मैन्युफैक्चरर समझकर फिर सोचिए तो देखो आप अगर कोई भी सेविंग्स करोगे तो आप वो सेविंग्स इसलिए कर रहे हो ना ताकि आप अपने बिजनेस को और कैपिटल सप्लाई कर सको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सको अपने बिजनेस में कैपिटल गुड्स की तो इसलिए ये जो सेविंग्स होती हैं वो सप्लाई ऑफ कैपिटल बन जाती है और इन्वेस्टमेंट क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस में कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल दैट की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना इसलिए उसे हम डिमांड ऑफ कैपिटल के नाम से जान सकते हैं एंड अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात करें तो क्लासिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्चुअली प्राइस ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी की कीमत के नाम से जाना जाता है तो कुछ इस तरीके से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एप्रोच और एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड अप्रोचेस के जरिए एक इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड आउट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फ्रेमवर्क आई होप कि हमने जो आज ये डिस्कस किया क्लासिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली ये दोनों के दोनों कंसेप्ट जो है दोनों की दोनों अप्रोचेज आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रही चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम दोनों अप्रोचेस के जरिए केन्जियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि किस तरह से इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन किया जा सकता है तो तब तक के लिए फिर से मैं कहूंगी कि जुड़े रहिए चैनल के साथ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है वीडियोज को शेयर करना लाइक करना और अपने व्यूज कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए Thank you so much for watching the video and have a nice day.